नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर जनपद ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत कोलुआ धामनौत के ग्राम हिम्मतपुर की आज मीडिया में खबर चलने के बाद प्रशासन आया हरकत में। मौके पर पहुंचे ग्यारसपुर तहसीलदार पटवारी आनंद फानन में ग्राम पंचायत सचिव ने गरीबों की राशन की व्यवस्था पूरा मामला जनपद ग्यारसपुर के ग्राम पंचायत कोलुआ धामनौत के ग्राम हिम्मतपुर का है। मीडिया में मामला, जानकी बाई को नहीं मिली 3 माह से पेंशन, 2 दर्जन से अधिक लोगों के पास नहीं है राशन कार्ड, 2 दिन से लोग भूखे सो रहे हैं। इस खबर के बाद प्रशासन की नींद टूटी और मौके पर SDM के आदेश से मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने बताया कि जिन गरीबों के पास राशन नहीं था उनको राशन की व्यवस्था करवाई जा रही है। जानकी बाई की पेंशन नहीं आई थी, CEO साहब से उनकी पेंशन की जानकारी लेकर जल्द ही उन्हें पेंशन भी उपलब्ध कराई जाएगी। मीडिया में खबर निकली थी कि हिम्मतपुर के जो आदिवासी हैं उनको राशन की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो आज आप स्वयं निरीक्षण के लिए आए, तो उस प्रकार बताइए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। चर्चा की है, CEO साहब का ये कहना है कि हमारे द्वारा पेंशन हितग्राहियों के खाते में डाल दी गई है, हितग्राही ने बैंक से राशि का हरण नहीं किया है। तो इस संबंध में मैं जनपद में जाके सूची कलेक्ट करता हूँ, सूची कलेक्ट करने के बाद पता चलेगा कि कितने हितग्राहियों को पेंशन की राशि का भुगतान किया गया। सर, एक चीज़ और देखी जा रही है कि दिन के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत ऐसा जो करना चाहिए, तो वितरण करना चाहिए जो गरीबों के लिए, वो इतना लेट क्यों हुआ, खबर के बाद क्यों हो रहा, पहले प्रशासन क्यों नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इनको राशन का वितरण किया, 15 परिवारों को 10-10 किलो गेहूँ और 4-4 किलो चावल का वितरण किया गया है। कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनको वितरण नहीं किया गया, उस संबंध में जांच कर रहे हैं और सचिव को आवश्यक निर्देश देंगे। खबर समय जगत के लिए ग्यारसपुर से संवाददाता प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।